नशीली दवाई खिलाकर अपहरण कर युवती के साथ शादी करने के मामले में पीड़ित युवती मदद की गुहार लगाने एसपी कार्यालय पहुंची। युवती ने एएसपी शिवेश सिंह बघेल को बताया कि वह बेलखाड़ू की निवासी है, जो यादव कॉलोनी में रहकर नर्सिंग कर रही थी, जिसे उसकी सहेली प्रिया भट्ट 12 मई को यह कहकर साथ ले गई थी कि कोविड-19 की मीटिंग है, और वह पूरे दस्तावेज के साथ हनुमाताल थाना अंतर्गत खेरमाई मंदिर के पास ले गई, जहां उसका भाई अंबर भट्ट निवासी बेलखाड़ू मिला। उसने प्रसाद खाने को दिया। उसके बाद जब होश आया तो उन लोगों द्वारा बेलखाड़ू में बंदी बना लिया। साथ ही अंबर और प्रिया ने कहा कि अब शादी हो गई है, वह कहीं नहीं जा सकती, और जाने की बात को लेकर उसके द्वारा मारपीट कर जान से मारने की धमकी दी जाने लगी। जैसे तैसे वहां से भागकर सारी बात परिजनों को बताई। वहीं युवती ने एएसपी से युवक अंबर भट्ट और उसकी बहन के खिलाफ सख्त कार्यवाही करने की बात कही है। एएसपी शिवेश सिंह बघेल ने बताया कि युवती द्वारा शिकायत दर्ज कराई गई है, पारिवारिक मामले की विधिवत जाँच कर आगे की कार्यवाही की जाएगी। एक महिला आई थी, वो कुछ पारिवारिक विवाद और एक उसने कई मुद्दों पर उसने शिकायत की है, जिसकी पूर्व में भी दूसरे पक्ष द्वारा भी शिकायत की गई थी। दोनों पक्ष की शिकायत जो है महिला थाना प्रभारी द्वारा की जा रही थी, अतः इसमें अग्रिम जांच और कार्रवाई हेतु महिला थाना प्रभारी को निर्देशित किया गया है कि उस पर सही तथ्यों की जाँच कर उस पर वैधानिक कार्रवाई करें। जबलपुर से कदीर खान की रिपोर्ट।